हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। थंबनेल में मैंने एक भी क्लिक बेट नहीं किया है। धूप है बहुत भाई। हाँ, अभी आ गया। तो बेसिकली अभी त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ पर फर्स्ट विनर को 5 सीटर गाड़ी मिलेगा। बाय द वे, मैन ऑफ द सीरीज को एक बाइक भी मिला है। इसके लिए यहाँ पर इस टूर्नामेंट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है, एक महीने से ये टूर्नामेंट हो रहा है। मैं कवर नहीं कर पाया, जा नहीं पाया एक भी मैच देखने के लिए, क्योंकि मेरे घर से थोड़ा दूर ही है। लेकिन आज फाइनल है। फाइनल नहीं देखने का तो एक कंटेंट मिस हो जाएगा। ऐसे ही चैनल में वीडियोज़ नहीं आते। तो ज़्यादा देर ना करके, 12 बजे से मैच है, अभी 11 बजे है। चलिए चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मैच हो रहा है, देख के ही पता चल रहा है। रास्ते में इतना जाम, मैंने आखिरी टाइम इतना क्राउड एक साथ कब देखा था मुझे भी नहीं पता। बैठने का तो कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पर। ऊपर से लोग यहाँ पर अच्छे से मैच देखने के लिए पेड़ पर जाके बैठे हुए हैं। ये मारा चौका, हम भी मारा। मैच के पहले कुछ गाने वाने होने लगे, वहां पर लोग नाचने लगे, झूमने लगे, तो बहुत मजा आ रहा था। और ये है दो टीम, ये है टीम युवराज जो कि धर्मनगर का टीम है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की तरफ से बहुत प्लेयर्स है। और ये है दास मेडिकल, जहाँ पर कुछ अगरतला के भी प्लेयर है और कुछ बांग्लादेशी भी प्लेयर आए हुए हैं। कुछ लोग तो मैच देखने के लिए पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पास में आमतल स्कूल है, वहाँ के छत पर भी लोग बैठे हुए हैं। Dash Medical on the top and choose to Belfast. ये मैंने तो बाला
यहाँ पर जो भी लोग आए थे इस प्लेयर को देखने के लिए आए थे ज़्यादातर लोग, क्योंकि इस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन किया है इस टूर्नामेंट में, वो है मलिक, वो आउट हो गए हैं। यहाँ पर बहुत ही फनी है लेकिन अच्छा भी। साइलेंट किलर घर जाते हुए अंतिम चार ओवर खेला अवशेष द्वितीय ओवर पावर प्ले रह गए थे और अभी अभी ये प्लेयर छक्का मार के हिट आउट हो चुके हैं, स्टंप लेकर वो खुद ही गिर गए। बहुत ही फनी वे में आउट हुए ये। सॉरी मुझे प्लेयर का नाम नहीं पता, लेकिन युवराज की टीम से अभी जो स्ट्राइक में है उन्होंने हाफ सेंचुरी कर लिया है। पर आखिरी ओवर में 3 छक्के लगा के युवराज टीम ने टारगेट दिया है 173 इन 16 ओवर्स। बहुत ही मुश्किल है। एक इनिंग्स के बाद हमको थोड़ा बैठने का जगह मिला है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितने लोग होंगे यहाँ पर। दास मेडिकल ने बैटिंग में उतर कर एक हर एक बॉल को डिफेंस करना स्टार्ट कर दिया एक एक करके। कंडीशन में बैठे हुए हैं हम, देखिए धूप की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। मेडिकल का स्लो स्टार्ट देखकर क्राउड को ये पता चल गया कि ये मैच धीरे धीरे निकल जा रहा है दास मेडिकल के हाथ से, इसलिए क्राउड ने भी युवराज टीम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर बहुत बहुत स्लेजिंग हो रहा है। इस टीम ने फील्डिंग करते समय इतना स्लेजिंग नहीं किया था, लेकिन ये टीम पूरा दबा के स्लेजिंग कर रहे हैं। Yeah.
बचा ही नहीं है, एक तरफा मैच हो रहा है अभी। लगातार इंटरवल में विकेट गिरने की वजह से दास मेडिकल के हाथ से ये मैच चला गया है। अभी अभी सिर्फ औपचारिकता मात्र है। लास्ट विकेट के लिए टीम युवराज को ज़्यादा एफर्ट दिखाना पड़ रहा है। अभी एक विकेट बचा है उनको ट्रॉफी जीतने के लिए, लेकिन अभी भी लास्ट प्लेयर बहुत दबा के हिट कर रहा है। चार घंटे के मैच के बाद चैंपियन हुआ है टीम युवराज। तो एक महीने के युद्ध के बाद चैंपियन हुआ है युवराज टीम, जो कि शायद से त्रिपुरा के धर्मनगर का टीम है। एक बाहर से भी बहुत प्लेयर आए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं युवराज टीम को। शायद से आप सब में से कोई इस क्राउड में होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।